तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम एरर से करोगे तो तुम्हारा गलत सलूशन आ जाएगा। बहुत सारे बुक जो है वो एरर से किए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन के इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से मास टू टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। तो ये टू टाइम्स और परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितना भाई, 50% है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ तो 100% आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। तो ये एक रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग सोलूशन है, ये गलत है, ठीक है ना। दिस इज द रॉन्ग, ये गलत सोलूशन है, ठीक है। तो इसका सही सोलूशन क्या है, तो इसको बेसिकली हम सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से, ना कि हम एरर से करेंगे। ऐसा मैं क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज जो है 5 से ज़्यादा है, 50% है, तो एरर वाला परसेंटेज निकालने का जो तरीका है वो लगेगा ही नहीं बच्चों। तो अगर मैं वेलोसिटी 50% बढ़ा देता हूँ, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, पहले रही होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के बोल देता हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी के डैश हो गई, काइनेटिक एनर्जी के डैश, अगर मैं वेलोसिटी 50% बढ़ा दिया, वी स्क्वायर कर दिया, वी डैश स्क्वायर, तो ये बढ़ी हुई वेलोसिटी भी, तो 50% ऑफ बी प्लस एक्चुअल बी, तो 50% अगर बढ़ेगा तो 100 और बी प्लस बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3/ कितना, ये 0.5, और यहाँ से तुम देखोगे 1.5 बी आ जाएगा, ठीक है ना। 50% बढ़ेगा तो 1.5 बी आ जाएगा, तो ये न्यू वेलोसिटी है। तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी के डैश की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम बी डैश का स्क्वायर, मतलब 1.5 बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ तुम देखोगे तो इसका जो स्क्वायर आ जाएगा 2.25, और ये आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। दैट हाफ एम बी स्क्वायर मतलब 2.25, दैट इज एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें परसेंटेज निकालना, यार परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी के डैश, ठीक है ना, माइनस के, यहाँ से तुम देखोगे एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू के, तो यहाँ से तुम देखोगे ए इधर आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है। तो 2.25 और 2.25 माइनस इसमें एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से के था के, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल के, तो तुम देखोगे यहाँ से, अरे भाई ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1.25, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 125%, ठीक है। तो 125% इज द फाइनल सोलूशन। तो अगर तुम देखोगे 125%, मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहला मेथड जो वो गलत था। थैंक यू।